Assalamu alaikum everyone, this is Kashif Fayaz. Today I will tell you about Flur effect in Adobe Illustrator, and this is part 4 of Blend Tool. So without any further ado, let's get started. वेलकम बैक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिप्स टूल लेंगे और सर्कल क्रिएट करेंगे, और उसके बाद हम इसमें ग्रेडियंट्स अप्लाई करेंगे। कलर आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, जो मर्ज़ी आप कलर रखें आपकी अपनी चॉइस है। और उसके बाद हम इसकी कॉपी लेंगे, और कॉपी लेने के बाद 500 स्टेप्स पे इसको ब्लेंड करके तो फिर वापस आते हैं। ओके जी, ये ब्लेंड हो गया है। अब जस्ट हमने टेक्स्ट लिखना है, जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। मैं एक फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद टेक्स्ट लिखता हूं, और टेक्स्ट लिखने के बाद हमने क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। और ये इफ़ेक्ट्स आप शेप से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो आप जिस पर मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी आप अप्लाई करें, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो टेक्स्ट लिख के मैंने इसको बड़ा कर लिया है, आप इसी तरह कीजिएगा। उसके बाद हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। एक्सपेंड से ये होगा कि ये शेप में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको हम इजीली एडिट कर सकते हैं। एक्सपेंड करने के बाद इसके अंदर वाले जो पॉइंट्स हैं वो हम डिलीट कर देंगे, सिलेक्ट करके, एक एक को सिलेक्ट करके हम इसको डिलीट कर देंगे, ताकि ये एक पूरी हमारे पास सिर्फ ब्लैक शेप रह जाए जिसके अंदर कोई होल वगैरह ना हो। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, और डिलीट करने के बाद फिर हम जस्ट इसको स्ट्रोक पे ले आएंगे, फिल इसका ख़त्म कर देंगे, और हम जब शेप को और जो हमारा ब्लेंड किया हुआ उसको सिलेक्ट करके रिप्लेस स्पाइन करेंगे तो ये ब्लेंड हो जाएगा, ये आपको पता है। तो यहाँ पे रिप्लेस स्पाइन का अब ऑप्शन नहीं शो हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये ग्रुप्ड है, और इसको हम अनग्रुप करेंगे और रिलीज़ कंपाउंड पाथ करेंगे। तो इससे ये होगा कि अब हमारी जो रिप्लेस स्पाइन की ऑप्शन है वो ऑन हो चुकी होगी, और हम इसको जस्ट ब्लेंड कर देंगे, जो कि हम वैसे भी करते रहते हैं। आपको पता है ब्लेंड कैसे करते हैं। न्यू जो चीज़ है वो अब स्टार्ट होगी। अब हम इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे और जस्ट इफ़ेक्ट्स में जाके, डिसऑर्डर एंड ट्रांसफॉर्म में जाके तो रोफिन कर देंगे, और इन ऑप्शंस के साथ हम प्ले करेंगे, और कुछ इस तरीके से हम फ्लरी इफ़ेक्ट अपनी मर्ज़ी से, जैसे आपको रखना है, आपने जो वैल्यूज़ रखनी है आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। आप जब इसमें जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने क्या और कैसे करना है। तो ये थी हमारी क्लास, मैं फ़ाइनल लुक लेके वापस आता हूँ। तो ये था जी हमारा फाइनल डिज़ाइन। मैंने ऑन डिज़ाइन को ही लिख लिया था ताकि कुछ अच्छी लुक बन जाए चैनल के लोगों की भी। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। बी क्रिएटिव।